महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, मैं भी भारत का हिस्सा हूँ। विकास की फाइलों में भटकता हुआ एक गुमनाम किस्सा हूँ। ये लाइनें नैनीताल के चुकम गांव पर एकदम सटीक बैठती हैं, जो आज़ादी के 74 साल और उत्तराखंड राज्य बनने के 20 साल बाद भी संसाधनों के अभाव में जीवन जीने और तमाम चुनौतियों का सामना करने को मजबूर हैं। रामनगर से 22 किलोमीटर दूर मोहान के चुकम गांव के लोग आज भी अपने घर चुकम में नदी को पार कर आने जाने को मजबूर हैं। बता दें कि सीजन की पहली ही बारिश से चुकम गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां रहने वाले लोगों को बाजार आने जाने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है। बारिश के बाद से कोसी नदी अपने उफान पर है, ऐसे में और लोग किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने को मजबूर हैं, यह आप देख सकते हैं। वहीं ग्रामीणों की इस समस्या के विषय में उपजिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल यह कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि आपातकालीन परिस्थितियों में वहां जाने के लिए एक 8 किलोमीटर का पैदल रास्ता भी है, जो कि थोड़ा कठिन है लेकिन है रास्ता। रामनगर क्षेत्र में चुकम एकमात्र ऐसा गाँव है जो बाढ़ के बरसात के समय कट जाता है। उसको देखते हुए जो पूर्व की हमारी तैयारियां हैं सारी कर ली गई हैं, उनको 3 माह का एडवांस राशन दे दिया गया है, सारी चीज़ें कर ली गई हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी है कि आपातकालीन परिस्थितियों में वहां जाने के लिए एक पैदल रास्ता भी है, जो कि थोड़ा कठिन है, 8 किलोमीटर पैदल है, लेकिन है रास्ता और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी चुकम गाँव के लोग कोसी नदी पर पुल बनाने को लेकर सालों से कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, पर आज तक वादों के अलावा ग्रामीणों के हाथ और कुछ भी नहीं लगा। ग्रामीण जरूरी सामानों के लिए जान हथेली पर रखकर नदी को तैर कर बाजारों को आने जाने को मजबूर हैं। रामनगर से कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।